नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 19 मार्च को लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने वालों की तलाश अब तेज हो गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने सोमवार को 2 घंटे के वीडियो फुटेज जारी किए। लोगों से अपील की गई कि वो फुटेज में नजर आ रहे लोगों की पहचान में मदद करें। इस हमले का आरोप ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तान समर्थकों पर लगा है। इन लोगों ने हाई कमीशन पर लगा हमारा नेशनल फ्लैग भी उतार दिया था। बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने होम मिनिस्ट्री से जांच की मदद मांगी, तभी मामला NIA को सौंपा गया। जयपुर में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर एक मॉडल से रेप का मामला सामने आया है। बेहोशी की हालत में बनाई न्यूड वीडियो से परिचित युवक ने शादी करने का दबाव बनाया। मना करने पर न्यूड फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांगे। सांगनेर सदर थाने में पीड़िता ने आरोपी परिचित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच SHO पूरन मल यादव कर रहे हैं। देश में फुटकर महंगाई दर मई में घटकर 4.25% पर आ गई है। ये 25 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल 2021 में महंगाई 4.23% पर रही थी। खाने पीने की चीजों के दाम में गिरावट के कारण महंगाई में ही कमी आई है। इससे पहले अप्रैल 2023 में रिटेल महंगाई दर 4.70% पर रही थी। ग्रामीण महंगाई दर 4.68% से घटकर 4.17% पर आ गई। शहरी महंगाई दर 4.85% से घटकर 4.27% पर आ गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाने पीने की चीज़ों की होती है। मई में खाद्य महंगाई दर घटकर 2.91% पर आ गई है। नीतीश कुमार के विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम पर बिपरजोय तूफान आ गया। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने नीतीश कुमार को जोर का झटका धीरे से दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे व बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री संतोष सुमन मांझी ने मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक तूफान आ गया है। कयास लग रहे हैं कि संतोष सुमन मांझी पिता जीतन राम मांझी संग क्या भाजपा में चले जाएंगे। तो सवाल के जवाब में संतोष सुमन मांझी ने कहा कि हम भाजपा के संग जाएंगे या नहीं ये अलग बात है, हम तो अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। वृद्धि सिद्धि चौराहा स्थित इचक दाना रेस्टोरेंट के फैशन एक्स के दूसरे सीजन के क्राउन सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का फिनाले सीतापुर स्थित जी स्टूडियो में 24 जून को आयोजित किया जाएगा। 23 जून को सेलेक्टेड मॉडल्स की ग्रूमिंग की जाएगी। फैशन शो के लिए देश भर से आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए कई जगह ऑडिशंस भी रखे गए जो कि दिल्ली, देहरादून, जयपुर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में आयोजित किए गए। शो के लिए इन ऑडिशंस के माध्यम से कुल 25 मॉडल्स का सिलेक्शन किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।